दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फोन से फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है जैसे आयजात निवास, आधार कार्ड या फिर हाई स्कूल की, इंटर की मार्कशीट, कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका साइज कम कैसे कर सकते हैं। प्रिंटर से हम लोग सबसे पहले स्कैन करेंगे, उसके बाद जो है साइज को कैसे कम करना है स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सीखने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, जब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस समय फोटो, सिग्नेचर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका जो साइज है ना, वो हमें केबी में अपलोड करना होता है। और काफी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि किस तरीके से फोटो, सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट का साइज कम करते हैं, कैसे जो है केबी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने जो है डॉक्यूमेंट ले लिए हैं। पहले मैंने जो है फोटो ले लिया है और ये मैंने जो है एक कोरे कागज पर सिग्नेचर कर लिया है। इसी तरीके से आपको भी सिग्नेचर कर लेना होता है। और यहाँ पर मैंने जो है डॉक्यूमेंट में एक घोषणा पत्र लिया है। इसी तरीके से आपकी मार्कशीट भी हो सकती है, हाई स्कूल, इंटर की या फिर आयजात निवास या फिर जो है आधार कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट है ना, जो तरीका स्कैन करने का मैं आपको बता रहा हूँ वही तरीका जो है सभी चीजों पर काम करेगा। ठीक है, बस इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इन्हीं सभी डॉक्यूमेंट का साइज मैं कम करके दिखाने वाला हूँ, वो भी स्कैन करके। तो ये है मेरे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट और ये है मेरे पास प्रिंटर एप्सन का, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी प्रिंटर के थ्रू हम जो है स्कैन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है प्रिंटर को ऑन कर लेना है। जहां से भी आपने जो है प्रिंटर को कनेक्शन दिया है वहां से स्विच को ऑन कर लीजिए। इसके बाद जो है अगर आपके प्रिंटर में लाइट जल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ पर एक पावर का बटन होता है, इसको आपको प्रेस कर देना है। पावर बटन प्रेस करते ही देखोगे यहाँ पर जो है लाइट ब्लिंक हो जाएगी, यानी अब ये जो है चालू हो रहा है। तो प्रिंटर को चालू कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, जो प्रिंटर का दूसरा हिस्सा है उसको अपने सीपीयू के साथ कनेक्ट कर देना है, या फिर अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप के साथ ऐसा यूएसबी पोर्ट होगा, उसके अंदर जो है कनेक्ट कर देना है। प्रिंटर ऑन हो जाने के बाद जो है इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको जो है बारी बारी से के अंदर रख करके स्कैन करना है। आपको जो है ये ऊपर वाला बॉक्स हटाना होता है और इसके बाद जो है इस तरीके से, मतलब फोटो जो है ना, मतलब ये जो फोटो है वो आपका नीचे रहना चाहिए कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो है इस बॉक्स को बंद करने के बाद अब आपको जो है अपने कंप्यूटर से स्कैन करना है। फोटो को प्रिंटर के अंदर रखने के बाद आपको उस फोटो को स्कैन कर लेना है। स्कैन करना काफी ज्यादा आसान है, बस आपको अपना स्कैनर ओपन करना है। जो भी स्कैनर आप इस्तेमाल करते हैं उसे ओपन कर लीजिए। बस आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्कैन। जैसे ही आप स्कैन लिखना शुरू करेंगे तो जो भी आप स्कैनर इस्तेमाल करते हैं उसका स्कैनर आ जाएगा। आपको जो है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग को समझना होगा। सेटिंग क्या है, इसमें जो है आपको क्या काम करना है कि ये जो डॉक्यूमेंट साइज दिया है इसमें आपको A4 साइज कर लेना है और नीचे की साइड में जो है आपको कलर रहने देना है। रेजुलेशन में जितना आपसे मांगा गया है, जितना DPI का, वो आपको टाइप कर देना है, या फिर यहाँ पर भी दिया गया है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपसे 200 DPI का मांगा गया है तो आप 200 DPI सेलेक्ट करेंगे। अगर आपसे 300 DPI का मांगा गया है तो आप 300 DPI सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, नीचे की साइड में आना है। इमेज फॉर्मेट में आपको देखना है कि अगर यहाँ पर जो है PDF सेलेक्ट है तो आपको जो है PNG या फिर JPG सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी फोटो डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जाता है तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो JPG या फिर जो है PNG मांगा जाता है। तो हम यहाँ पर जो है JPEG को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही छोटी सी सेटिंग करनी थी। अब आपको जो है नीचे दो और बटन मिलेंगे, पहला है प्रीव्यू का, दूसरा है स्कैन का। आपको जो है पहले वाले बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू देख लेना है कि आपका प्रीव्यू सही तरीके से आ रहा है कि नहीं। वैसे अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करके सीधा स्कैन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट सीधा स्कैन पर क्लिक करके स्कैन करने वाला हूँ, तो मैं जो है इस पर स्कैन पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा प्रोग्रेस होगा, यानी थोड़ा सा ये स्कैनिंग का प्रोसेस चलेगा। थोड़ा देर तक आपको वेट करना होगा और कुछ ही समय बाद जो है ये स्कैन होकर के आपके कंप्यूटर में जो है सेव हो जाएगा। अब देखिए स्कैन होकर के आ गया है, वो फोटो ये है। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए यही फोटो अभी जो है हमने स्कैन की है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, जिस तरीके से हमने जो है फोटो को स्कैन किया है, ठीक इसी तरीके से आपको अपना
डॉक्यूमेंट रखना होता है प्रिंटर में और स्कैन करना होता है। आप जो भी मार्कशीट वगैरह स्कैन करना चाहते हैं उसको जो है प्रिंटर के अंदर रख लीजिएगा, और जिस तरीके से मैंने आपको स्कैन करना बताया है इसी तरीके से स्कैन करना होता है। और अगर आप सिग्नेचर भी स्कैन कर रहे हैं तो सेम इसी तरीके से स्कैन करना होता है। देखिए यहाँ पर हमने जो है घोषणा पत्र को भी स्कैन कर लिया है, इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी स्कैन कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमने जो है सिग्नेचर भी स्कैन कर लिया है, जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मैंने सारी चीज़ों को स्कैन किया है। हम क्या काम करते हैं कि एक नया फोल्डर बना लेते हैं और उस नए फोल्डर के अंदर जो है इन सभी को डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है इमेज नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसके अंदर डालने के लिए हम जो है इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे जो हमने तीनों डॉक्यूमेंट को स्कैन किया है। कंट्रोल बटन दबा के रखिए, इस पर क्लिक करिए, सिलेक्ट हो जाएगा, और इसके अंदर इस तरह से ला करके छोड़ दीजिए। सारा का सारा जो है इसके अंदर चला गया है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। देखिए तीनों के तीनों हमारे इसके अंदर आ गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखोगे कि हमने स्कैन तो कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो है बाहर साइड में बहुत सारे बेकार चीजें आ रही हैं, और इसके अंदर भी देखोगे इतना पेज फालतू में आ रहा है। तो इन्हें जो है हमें क्रॉप करना है, और हमें जो हमारा सिग्नेचर का साइज होता है छोटा सा उस तरीके से बनाना है। तो बनाने के लिए आपको क्या काम करना है कि इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, फोटो को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक एडिट का बटन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो आप, एडिट का बटन आपको जो है मिल जाएगा जब आप फोटो ओपन करोगे। तो आपको एडिट बटन पर क्लिक करना है। एडिट बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो क्रॉप करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये नोड बने हुए हैं, इन्हीं नोड की मदद से जो है आपको इस तरीके से क्रॉप करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे क्रॉप कर लीजिएगा। अभी आप देखोगे कि ये फोटो जो है कट रही है और थोड़ी सी टेढ़ी भी है, तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, ये जो सर्कल बना हुआ है ना इस तरीके से डॉटेड करके, ये रोटेट का है, आपको इसको पकड़ करके इस तरीके से घुमाना है थोड़ा सा। ये देखिए घूम रहा है बिल्कुल सीध में, इस तरीके से कर देना है। ठीक है, करने के बाद जो है अब आपको इसको इस तरीके से क्रॉप कर देना है, बस रोटेट करना होता है और इस तरीके से क्रॉप करना होता है। साइज में क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज ए कॉपी, आप इस पर क्लिक करिएगा। ये आपसे पूछ रहा है आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हो, तो हम इसे जो है डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जो है इस फोटो का नाम देंगे, जो भी हम नाम रखना चाहते हैं। मैं फोटो के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और सेव पर क्लिक करेंगे। ये फोटो हमारी जो है सेव हो चुकी है डेस्कटॉप पर। इसी तरीके से ये जो हमने जो है घोषणा पत्र जो स्कैन किया है इसको भी जो है क्रॉप करेंगे, फालतू का एरिया हटाएंगे। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर जो है हम इसे क्रॉप करेंगे, यहाँ से इसे जो है रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से बिल्कुल साइज में। क्रॉप करने के बाद, रोटेट करने के बाद जो है आपको सेव एज ए कॉपी पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद जो है इसका भी नाम दे देना है। नाम टाइप करने के बाद जो है हम डेस्कटॉप पर ही इसकी लोकेशन दे रहे हैं, यानी डेस्कटॉप पर इसको सेव करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। ये भी जो है डेस्कटॉप पर सेव हो गया है। अब इसको जो है कट कर देंगे। इसी तरीके से सिग्नेचर को ओपन करेंगे और सिग्नेचर को भी एडिट करके क्रॉप करेंगे। यहाँ से भी इसको जो है क्रॉप करेंगे, और कुछ इधर से भी, और इधर से भी, ऊपर से भी क्रॉप कर लेंगे जितना हमको चाहिए था। इतना क्रॉप करने के बाद जो है आप चाहो तो यहाँ से रोटेट कर सकते हो, फिलहाल रोटेट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा सा कर ही देते हैं कुछ इतना, और इसके बाद सेव एज ए कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर उसका फाइल का नाम देंगे, और इसके बाद जो है डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं इसको भी, और सेव पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है इसे भी जो है क्रॉप कर दिया है। तीनों को क्रॉप करने के बाद मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पर देख सकते हो तीनों के तीनों है। ये जो है हमारा ये 33 KB का बना है, जैसा कि आप देख सकते हो साइज में भी हो गया है, और हमने जो फालतू का एरिया आ रहा था उसको भी हटा दिया है। और ये जो है हमारा 314 KB का बना है, ये ज़्यादा KB का बन गया है, इसको अभी हम और भी कम करेंगे। और इसके बाद जो है ये 12 KB का सिग्नेचर बना है, यानी कि सिग्नेचर और फोटो जो है साइज में हो गए हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट जो है ज्यादा साइज में जा रहा है। तो इसको कम साइज में करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओपन विथ में जाकर के पेंट में ओपन कर लेंगे। ठीक है, पेंट में ओपन करने के बाद ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है आपको। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस इसको रिसाइज पर क्लिक कर देना है, रिसाइज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एक रिसाइज का बटन है, आप ये देख सकते हो, इसकी शॉर्टकट जो है Ctrl+W है, आप इसको प्रेस करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। इस तरीके से एक जो है आपको रिसाइज एंड स्क्यू की विंडो आएगी, इसके अंदर आपको परसेंटेज पर ही क्लिक रहने देना है, और यहाँ पर जो है ये जो जॉइंट है इसको टिक रहने ही देना है, यानी जैसा सेटिंग है बिल्कुल ऐसा ही रहने देना है। बस आपको जो है इसके अंदर साइज देना है। अभी ये जो साइज है वो 100% है, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, यहाँ पर जो है हम 50 करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे देखोगे साइज थोड़ा सा कम हो गया है, और नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 314 KB अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, अभी हमने इसे सेव नहीं किया है, बस जैसे ही हम Ctrl+S बटन दबाएंगे तो देखोगे 150 KB यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब ये सेव हो गया है। फिर थोड़ा सा साइज इसका कम करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, दोबारा से जो है इसके अंदर 100 आ जाएगा। 100 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अब जो है अपने आप में फिर से जो है 100% हो गया है। तो हमें क्या काम करना है, थोड़ा सा और कम करना है, तो इस बार हम जो है 60 डाल देते हैं। ठीक है, अब आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि एक ही बार में
में कम करना सोचेंगे, यानी 100 है तो सीधा सीधा 30 डाल देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा कम करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है फिर से ओके पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा और साइज कम होगा, कंट्रोल एस करके देख लेते हैं, तो देखोगे यहाँ पर ये 67 KB का बन गया, यानी कि 100 KB से कम हो गया है। अगर आपको इसका साइज थोड़ा सा और बढ़ाना है तो एक बार कंट्रोल जेड करिएगा फिर एस करिएगा तो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर से जो है आपको रिसाइज एंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इस बार हमने 60 डाला था, इस बार जो है थोड़ा सा बढ़ा करके डाल देते हैं, 70 डाल देते हैं, ठीक है 70 हम डाल देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे तो देखोगे यहाँ पर जो है 86 KB का बन गया है, यानी 100 KB से नीचे का है। अब ये जो है अपलोड हो जाएगा, जहां पर भी 100 KB से कम का जो है आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ये वहां पर काम करेगा। तो इसी तरीके से जो है डॉक्यूमेंट का साइज कम किया जाता है, वहां से आपको क्रॉप करना होता है, जहां से मैंने आपको बताया क्रॉप करना, और इसके बाद जो है पेंट में ओपन करके रिसाइज एड इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा परसेंटेज को कम करना होता है। जैसे कि 100% है तो पहले आप 80 करके देख लीजिएगा कितना कम हो रहा है KB, फिर जो है उसके बाद और कम करके देख लीजिएगा कितना कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कम करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है साइज ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगा और लास्ट में जो है आपको एक्चुअल साइज मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी फोटो भी जो है ज्यादा KB की बन गई है क्रॉप करने के बाद भी, और उसे और भी कम KB का करना चाहते हैं, जैसे 20 KB का बनाना चाहते हैं, तो इस फोटो पर राइट क्लिक करेंगे, इसको भी जो है ओपन विद करके पेंट में जो है इसे ओपन कर लेंगे, फोटो आपके सामने आ जाएगी। अभी देख सकते हो ये 33 KB की है, तो हम इसे जो है रिसाइज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसका साइज जो है हम यहाँ पर डाल देते हैं 80 के करीब, 80 डाल देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा कम हो जाएगा, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखोगे 31 KB का ये बन गया है। और फिर से दोबारा से कम करने के लिए जो है हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर से जो है यहाँ पर हम लोग 70 डाल देते हैं इस बार, ओके करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखोगे 19 KB का बन गया है, 20 KB से भी नीचे का ये फोटो है, इसको जो है यहाँ से हटाते हैं। तो अब मैं जो है इसको सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 19.3 KB का ये फोटो बन गया है, ठीक है। तो हमारा डॉक्यूमेंट भी जो है हमने 86 KB का बना लिया है, और ये जो फोटो है हमने 19 KB का बना लिया है, सिग्नेचर तो 12 KB का बना हुआ है। अगर सिग्नेचर भी मान लीजिए 20 KB से ऊपर का बन जाता तो हम जो है इस पर राइट क्लिक करके इसको भी जो है ओपन विद पेंट में करके और सेम वही काम करते हैं, यहाँ से रिसाइज एंड इसके ऊपर क्लिक करके इसका भी साइज थोड़ा थोड़ा कम कर, जैसे कि मैं इसका भी साइज कम करके दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पर 70 टाइप किया, ओके पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो देखोगे 10 KB का ये फोटो बन गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है फोटो, डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर का साइज जो है कम किया जाता है। क्या तरीका मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो है प्रिंटर से स्कैन कर लेना है, आप चाहो तो मोबाइल फोन से भी फोटो को खींच करके कंप्यूटर में ला सकते हो, और उसके बाद का जो तरीका मैंने बताया है उसको अपना सकते हो। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्कैन कर लेना है फोटो को, और उसके बाद जो है उसको ओपन करके एडिट कर लेना है, यानी जो फालतू का एरिया आ रहा है उसको हटा लेना है। इसके बाद जो है अगर आपकी फोटो साइज में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आपको उसे MS पेंट में ओपन करके रिसाइज एंड इसके ऊपर क्लिक करके रिसाइज करना होता है, और किस तरीके से रिसाइज करना होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।